हेलो एवरीवन, हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ब्रैड पिट ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। हाल ही में उनकी फिल्म बुलेट ट्रेन रिलीज की गई है। यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म के बहुत सारे किरदारों के हाथ खून से रगे हुए हैं, जो किसी बेजान पत्थर से कम नहीं है। ऐसी कहानी बहुत ही जटिल और थकान देने वाली होती है। यदि आप भी हॉलीवुड के स्टार किंग ब्रैड पिट के फैन हैं और इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यह रिव्यू देखते जरूर। आजकल एक्शन थ्रिलर फिल्म का जमाना है। दुनिया भर में रफ्तार, रोमांच और मारधार वाली फिल्में सबसे ज्यादा कमाई कर रही हैं और स्टंट डायरेक्टर से फिल्म डायरेक्टर बने डेविड लीच के लिए महामारी के बाद खुले सिनेमा घरों में दर्शकों को खींचकर लाने के लिए फिल्म बुलेट ट्रेन लोगों को जरूर पसंद आएगी, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। ब्रैड पिट के बहुचर्चित फिल्म बुलेट ट्रेन 4 अगस्त को रिलीज हो चुकी है, वो भी थिएटरों में। आपको बता दें कि हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ब्रैड पिट लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। जैसा कि फिल्म के नाम बुलेट ट्रेन से ही पता चलता है कि फिल्म की कहानी ट्रेन के इर्द गिर्द ही घूमेगी, तो आइए जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। बुलेट ट्रेन फिल्म एक्शन और 3 लव दोनों से भरपूर है। इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड लीच, जो पहले एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे, जब एक एक्शन डायरेक्टर फिल्म को बना रहे होंगे तो फिल्म में एक्शन तो भरपूर हो गए। इसकी कहानी की बात करें तो यह शांति की तलाश में निकले एक भाड़े के हत्यारी यानी ब्रैड पिट को उसकी बॉस सैंड्रा बुलॉक कोडनेम लेडी बग देती है। लेडी बग को लगता है कि उसका काम बिगड़ने की वजह से उसकी खराब किस्मत है, हालांकि उसकी याददाश्त बहुत तेज है। इसके लेडी बॉस से बुलेट ट्रेन में नकदी से भरा सूटकेस लाने का काम सौंप देती है। जिस प्रकार ट्रेनों का लोगो लगा है, उसको बैग स्टेशन पर उतारना होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। फिर में कई हत्याएं होती हैं। कहानी के दूसरे सिरे पर पहुंचने पर पता चलता है कि इसी ट्रेन में और भी बहुत सारे कातिल हैं जो मौजूद हैं पहले से ही। उनकी वजह क्या है? सबकी अपनी अपनी राम कहानी है और सबके अपने अपने लाइफ गोल्स हैं। कहानी का सबसे कमजोर पेंचे स्कूल की बच्ची जैसी दिखती प्रिंस, जो एक मासूम बच्चे को छत से नीचे फेंक उसके पिता को इस ट्रेन पर इसलिए ले आई कि वह इस ब्रीफ केस का ताला खोल सके। ब्रीफ केस में फिरौती की रकम है और जिस माफिया डॉन के बेटे को छुड़ाने के लिए फिरौती दी जानी थी, उसे लेकर 2 और बड़े भाड़े के हत्यारे लेमन और टेंजरीन मंजिल के लिए निकले हैं। ट्रेन धीरे धीरे खाली होती जाती है और ट्रेन के सहयात्री जैसे जैसे कम होते जाते हैं, कहानी का आधार भी वैसे वैसे छिछला होता जाता है। डायरेक्टर डेविड लीच की फिल्में देखने वालों को पहले से पता होता है कि उनकी फिल्म में वह क्या देखने आए हैं। फिल्म बुलेट ट्रेन एक आम मनोरंजक हॉलीवुड फिल्म नहीं है। यह PS4 पर खेले जाने वाले किसी ऐसे वीडियो गेम की तरह, जिसमें खिलाड़ी उंगलियों के इशारे पर से काटता चला जाता है। पर्दे पर खून दिखता है, लेकिन देखने वाले के मन में ना तो किसी तरह के भाव आते हैं, ना ही किसी तरह का कोई एहसास ही जागता है। यहाँ खेल के मुख्य खिलाड़ी ब्रैड पिट हैं, वह सुलझे हुए अभिनेता रहे हैं, फिल्म में कायदे ही चुनते रहते हैं। यहाँ भी वीडियो डेविड ने उनके किरदार को साफ सुथरा बनाए रखते हुए उनके आसपास की कारगुजारियों का दलदल ऐसा रचा है कि इनके छींटे भी जब लेडी बग पर पड़ते हैं तो दर्शकों को लगे कि दाग अच्छे हैं। अब बात करें फिल्म देखे कि नहीं, तो आपको फिल्म की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। मध्य में फिल्म का रुख इस तरह पलट जाता है जिसे समझने में थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन यदि आप एक्शन फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपके लिए बेहतरीन है। फिल्म में ब्रैड पिट एक्शन के जरिए आपका मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये तरह मेरा रिव्यू। अब आप बताइए आपने मूवी देखी कि नहीं, और देखी तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।